आगे बढ़ते हैं, बैन अल-अक़वामी खबर पर नजर डाल लेते हैं। इसराइल और हमास के बीच हो रही जंग को लेकर बड़ी खबर। हमास और हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। देर रात गाजा और लबनान की ओर से इसराइल पर रॉकेट हमले हुए हैं। इस हमले के बाद मध्य इसराइल में कई गाड़ियां और घर भी जल गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। इस हमले की जिम्मेदारी हमास के कामस ब्रिगेड ने ली है, जिसका कहना है कि ये हमले इसराइल के जंगी मशक पर हमास की जवाबी कार्रवाई है। तो लगातार यहां पर वार और पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। एक तरफ इसराइल की तरफ से बम गिराए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमास भी यहां पर मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमास और हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। देर रात गाजा और लेबनान की ओर से इसराइल पर रॉकेट हमले हुए हैं। इस हमले के बाद मध्य इसराइल में कई गाड़ियां और घर भी जल गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। इस हमले की जिम्मेदारी हमास की कामस ब्रिगेड ने ली है, जिसका कहना है कि ये हमले इसराइल की जंगी मशक पर हमास की जवाबी कार्रवाई है। Fuck!